हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिव। देखो बच्चों, लास्ट की जो वीडियोस थी उसमें हमने पढ़ा कि डायरेक्टिव फंक्शन क्या होता है, क्या उसकी फीचर्स होती हैं और क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिव। डायरेक्टिव के देखो चार एलिमेंट्स होते हैं। पहला सुपरविज़न, दूसरा हो गया मोटिवेशन, तीसरा हो गया कम्युनिकेशन और फोर्थ हो गया आपका लीडरशिप। आज की इस वीडियो में जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे वो करेंगे सुपरविज़न को। देखो बच्चों, सुपरविज़न है क्या? द सुपरविज़न मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब आपके सबऑर्डिनेट्स, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो एज ए सुपरवाइज़र वो अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मॉनिटर करने का मतलब उन्हें काम करते हुए देखना कि वो सही से काम कर रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। एम्प्लॉयज़ को जब वो अपने जॉब को परफॉर्म करते हैं तो ये बोला जाता है आपका सुपरविज़न। द वर्ड सुपरविज़न इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। जो सुपरविज़न है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, सुपरविज़न, वेयर सुपर मीन्स ओवर, जहाँ पर सुपर का मतलब होगा ओवर एंड अबोव, ठीक है ना, यानी कि ऊपर, एंड विजन का मतलब होगा सींग, यानी कि किसी को ऊपर से देखना। सो सुपरविजन मीन्स सींग द एक्टिविटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज फ्रॉम ओवर एंड अबोव। तो सुपरविजन का मतलब होता है आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक्टिविटीज़ को ऊपर से देखना। आप देखो बेटे इस चार्ट को देखो, यहाँ पर हुआ क्या, जो मैनेजमेंट था उसने अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को सुपरवाइज़र को दिया, सुपरवाइज़र ने क्या किया उसे इम्प्लीमेंट कर दिया टू देयर सबऑर्डिनेट। इसी तरीके से जो आपके सबऑर्डिनेट्स थे उन्होंने अपने सजेशंस या कंप्लेंट्स जो थी सुपरवाइज़र को दी, सुपरवाइज़र ने उसे जो है ना ट्रांसफ़र कहाँ की, मैनेजमेंट के, वहाँ से उसका सॉल्यूशन बने, ठीक है बच्चों। देखो अब अगर हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविज़न, ठीक है ना, या फंक्शन ऑफ सुपरविज़न। देखो पहले नंबर पर आता है इंश्योर रिसीविंग द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। द सुपरवाइज़र मेक श्योर दैट ऑल द इंस्ट्रक्शन आर कम्युनिकेटेड टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉई। सुपरवाइज़र को सबसे पहले श्योर हो जाना चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शन उसने देने थे अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या वो दे चुका। द टॉप लेवल एंड द मिडिल लेवल प्लान आउट ऑल द इंस्ट्रक्शन बट द इंस्ट्रक्शन आर इश्यूड ओनली बाय द सुपरवाइज़र, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। इसने कहा है कि इंस्ट्रक्शन जो देने का काम करता है, ठीक है ना, सुपरवाइज़र को, यानी कि लोअर लेवल को, सुपरवाइजरी लेवल को, वो मिडिल लेवल या टॉप लेवल करता है, लेकिन जो उन्हें इश्यू करता है एम्प्लॉयज़ को वो केवल और केवल सुपरवाइजरी लेवल करता है, यानी कि लोअर लेवल करता है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। फैसिलिटेट्स कंट्रोल, कंट्रोल में फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का काम जो है सुपरविजन करता है। कंट्रोल मीन्स मैच बिटवीन द एक्चुअल प्लान एक्चुअल एंड द प्लान आउटपुट। देखो बेटे सबसे पहले हम समझेंगे कि जो आपकी एक्चुअल प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस है उनके बीच बैलेंस बनाने का काम, उन्हें मैच करने का काम सुपरवाइजर का होगा। देखो बेटे एक्चुअल प्लान है क्या और आपकी जो है ना प्लान परफॉर्मेंस है क्या। सबसे पहले हम प्लान परफॉर्मेंस को समझेंगे। एक कंपनी ने प्लानिंग की कि वो साल के अंत तक 1000 यूनिट बना लेगी, लेकिन एक्चुअल की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो वो केवल 800 ही यूनिट बना पाई, तो उनमें वहाँ पर वेरियंस रह गया 200 यूनिट का, ठीक है ना। वो 200 यूनिट का जो वेरियंस रहा वो क्यों रहा, ठीक है ना, ताकि ये ना हो तो इन दोनों के बीच का जो मैच करने का काम करता है वो सुपरविजन करता है। तो कंट्रोल मीन्स मैच बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान आउटपुट वेयर वैन एवर द वर्कर्स आर अंडर द कॉन्स्टेंट सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग देन स्टेप बाई स्टेप चेक इज कैप्ट एंड इफ दे आर deviating from the plan then immediate instruction are issued by the supervisor। देखो सुपरवाइजर करेगा क्या, जब आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसे रेगुलरली जो है ना ध्यान देता रहेगा, देखता रहेगा, ठीक है ना, कि काम सही से हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और जो आपके सुपरवाइजर है उन्हें इंस्ट्रक्शन इश्यू करता रहेगा जो भी इमिडिएट इंस्ट्रक्शन उनके लिए होंगे। बाय द कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग द सुपरवाइजर फंक्शन सुपरविजन फंक्शन कैन इंश्योर्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट की एक्टिविटी के ऊपर पूरा कंट्रोल आपका रहने वाला है, किसका, सुपरविजन का। तो हम कह सकते हैं कि सुपरविजन जो है ना, जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो आपके प्लान परफॉर्मेंस है उन्हें मैनेज करने का काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन केवल सुपरविजन से ही हो सकता है। व्हेन द वर्कर आर कॉन्स्टेंट
कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड एंड ऑब्जर्व दैन दे आर यूज टू रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर विच लीड टू मिनिमम वेस्टेज. जब वर्कर्स को लगेगा, सपोर्डिनेट्स को लगेगा कि सुपरवाइजर उन्हें रेगुलरली वॉच कर रहा है, ठीक है ना, तो वो काम को जो है ना एक पॉसिबल मैनर में करते रहेंगे, बेस्ट पॉसिबल मैनर में करते रहेंगे. उससे होगा क्या कि वेस्टेज आपकी कम होगी. बट इफ देयर इज नो सुपरविजन चेक ऑन द वर्कर दे मे रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सिस. लेकिन उन्हें लगेगा कि कोई उन्हें चेक ही नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि आपकी रिसोर्सिस की वेस्टेज करना शुरू कर देंगे. से मतलब डिसिप्लिन में कि अगर वर्कर को लगता है कि उन्हें कोई जो है ना वॉच करने का काम करा, विजन करने का काम करा है, तो वो सही से डिसिप्लिन से रहेंगे, अदरवाइज डिसिप्लिन नहीं से नहीं रह पाएंगे. तो स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द सुपरवाइजर इनकरेज द एम्प्लॉयज एंड वर्कर टू बी मोर डिसिप्लिन्ड इन देयर एक्टिविटी, ठीक है ना. अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द सुपरवाइजर द वर्कर फॉलो ए फिक्स एंड स्ट्रिक्ट टाइम टेबल एंड एग्जीक्यूट द प्लान इन द राइट डायरेक्शन. मेरे ख्याल से इसे पूरा समझ चुके होंगे बच्चों. नेक्स्ट आता है देखो फीडबैक. जो वर्कर्स की फीडबैक तैयार करने का काम करता है वो करता है सुपरवाइजर, ठीक है ना. द सुपरवाइजर आर डायरेक्टली डीलिंग इन द सबॉर्डिनेट. जो सबॉर्डिनेट से डायरेक्ट डील करने का काम करता है वो सुपरवाइजर करता है. सो दे आर द बेस्ट पर्सन टू गिव फीडबैक ऑफ सबॉर्डिनेट. सबॉर्डिनेट को डायरेक्टली फीडबैक देने का काम जो करता है सबॉर्डिनेट्स की सॉरी फीडबैक देने का काम अपर को वो सुपरवाइजर ही करता है. दे गिव द रिपोर्ट रिगार्डिंग द वर्क ऑफ द एवरी वर्कर विच बिकम द बेस ऑफ द परफॉर्मेंस एप्रिशिएशन ऑफ द एम्प्लॉयज. वो क्या करता है सुपरवाइजर जो ऊपर होता है अपने, ठीक है ना, वर्कर्स की जो रिपोर्ट देने का काम करता है वो ये करता है, जिससे जो है ना परफॉर्मेंस एप्रिशिएशन में जो बेस होता है उस चीज़ का. सुपरवाइजर गिव द फीडबैक रिगार्डिंग कंप्लेंट्स ग्रेवियंस एंड द प्रॉब्लम ऑफ द सबॉर्डिनेट ऑफ द सुपरवाइजर. सुपरवाइजर की जो फीडबैक होगी, जो कंप्लेंट्स होंगी, जो ग्रेवियंस होगी, उनकी शिकायतें बोलते हैं, ग्रेवियंस का मतलब होता है शिकायतें, या जो प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें ऊपर तक पहुंचाने का काम सुपरवाइजर करता है. इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन. सुपरवाइजर इश्यू द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर. देखो सुपरवाइजर करता क्या, हमने पहले भी समझा था कि जो अपर लेवल से मिडिल या टॉप लेवल से जो इंस्ट्रक्शन आए थे, ठीक है ना, उन्हें तो पहुँचाता है कहाँ तक, जो है आपका सबॉर्डिनेट तक. और सबॉर्डिनेट की जो ग्रीवियंस होंगी, उनकी जो कंप्लेंट्स होंगी, जो सजेशंस होंगे, उन्हें ऊपर तक पहुँचाने का काम करता है. यानी कि एक बेस्ट कम्युनिकेटर का काम भी करता है. इससे क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होगा वो हाई होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्रूव मोटिवेशन. द रिलेशनशिप विद द सुपरवाइजर इज अ वेरी गुड इंसेंटिव टू इम्प्रूव द मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज. जो सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप होगी वो सबॉर्डिनेट को जो है ना उनकी उन्हें एक मोटिवेट करने के लिए जरूरी है काफ़ी, ठीक है ना, और एक अच्छा तरीका है, ठीक है ना. तो यहाँ पे लिखा है कि व्हाइल गाइडिंग द एम्प्लॉयज द सुपरवाइजर इनकरेज द सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म देयर बेस्ट कैपेसिटी. जब आप अपने एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं, सुपरवाइजर एज ए सुपरवाइजर अपने एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं, तो इसका मतलब आप क्या करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी बेस्ट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए उन्हें इंक्रेज करते हैं. लास्ट आता है मेंटेन ग्रुप एक्टिविटी. ग्रुप एक्टिविटी को मेंटेन करने का काम केवल और केवल सुपरविजन फंक्शन द्वारा ही सुपरवाइजर कर सकता है. सुपरवाइजर प्लेज अ रोल की रोल इन द मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमॉन्ग द वर्कर्स वर्किंग अंडर हिम. ही मेंटेन हारमोनी अमॉन्ग द वर्कर्स एंड सॉल्विंग देयर डिस्प्यूट्स. डिस्प्यूट बोलते हैं झगड़ों को, उनके झगड़ों को सुलझा करके उनके बीच हारमोनी तालमेल बिठाने का काम जो करता है सुपरवाइजर करता है. तो हम कह सकते हैं कि की रोल ग्रुप एक्टिविटी में निभाने का काम सुपरवाइजर करता है. मेरे हिसाब से बेटे आज आप इसे बड़े ध्यान से समझ अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है, इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे. ओके बच्चों, थैंक यू.